अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोग गए थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड में जो अगला टॉपिक हम देख रहे हैं सर्जरी वाला, सर्जरी ऑफ थायराइड ग्लैंड में, दैट इज थायरोटॉक्सिकोसिस। ठीक है, अच्छा थायरोटॉक्सिकोसिस, असल में ये सारे क्वेश्चन, मतलब अभी हम बात करें कि हम सर्जरी की बात करें तो हम इनकी पैथोफिजियोलॉजी क्यों करें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ना आते होते हैं सर्जरी में भी, तो आपने वो करने हैं। अभी मैं एंड में आपको थायरोडेक्टमी भी कराऊंगी, वो उसके भी स्टेप्स आते होते हैं ताकि वो भी आपको आ जाए। तो अभी हम बात करेंगे थायरोटॉक्सिकोसिस की। अब हम ये वो बात करें, जब हमने गोइटर पढ़ा था तो हमने कहा था कि गोइटर की पहली टाइप होती है सिंपल गोइटर, जिसमें कोई टॉक्सिक सिम्टम्स नहीं होते, और दूसरी टाइप होती है टॉक्सिक गोइटर। अब ये वाला गोइटर आगे कि अब हमारे पास जो गोइटर है, यानी कि इनलार्ज्ड थायराइड ग्लैंड है, उसके साथ थायरोटॉक्सिकोसिस यानी इंक्रीज इन T3 T4 हॉर्मोन्स की जो सिम्टम्स है वो भी आ रहे हैं, उसको थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं। रिमेम्बर, हमेशा याद रखना डिफरेंस है दोनों टर्म्स में। गोइटर इज सिंपली इनलार्ज थायराइड ग्लैंड, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म अलग लफ्ज है, ठीक है, और थायरोटॉक्सिकोसिस अलग लफ्ज है। हाइपरथायरॉयडिज्म हम तब कहते हैं जब हमारे पास जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो आपके T3 T4 हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन ज्यादा कर दे, ठीक है। सिर्फ इस बात पे याद रखना है कि ये मेरे पास थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, और वो T3 T4 की प्रोडक्शन उसने इंक्रीज की हुई है सिर्फ थायराइड ग्लैंड ने और किसी नहीं, उसको हम कहते हैं हाइपर थायराइडिज्म, कि थायराइड जो है वो हाइपर हो गया। थायरोटॉक्सिकोसिस इज डिफरेंट। थायरोटॉक्सिकोसिस का मतलब ये होता है कि जब आपके पास T3 T4 हॉर्मोन्स के एक्सेसिव होने की वजह से टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स आने लग जाए, सिम्टम्स और साइंस आ जाए पेशेंट में, यानी उसके जो टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स होते हैं वही मैं आपको कितनी दफा रिपीट कर चुकी हूं, पैल्पिटेशन, स्वेटिंग, डिस्निया, ट्रेमर्स और ये सब की चीजें होती हैं, और जो साइंस है आई साइंस खासतौर पर कार्डिक साइंस वगैरह वो आने लग जाए, तो हम कहते हैं कि थायरोटॉक्सिकोसिस है। अब थायरोटॉक्सिकोसिस के लिए ये जरूरी है कि बॉडी में T3 T4 ज्यादा हो, लेकिन ये नहीं जरूरी कि वो T3 T4 कहां से आए। कभी कभार ऐसा होता है, मैं आगे आपको बताऊंगी, आपके पास ऐसी कंडीशंस भी है आपकी इन्फ्लेमेटरी थायराइडाइटिस की, जिसमें बेसिकली पेशेंट का थायराइड ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, लेकिन जब वो डिस्ट्रॉय होता है तो शुरू में जितना स्टोर्ड उसके पास T3 T4 होता है ना, फौरी तौर पर रिलीज कर देते हैं, ठीक है। जब वो T3 T4 फौरी तौर पर सारा रिलीज करते हैं तो बॉडी में एकदम से एक थायरोटॉक्सिकोसिस की स्टेट आती है, ठीक है। थायरोटॉक्सिकोसिस की जब स्टेट आती है, वो बेसिकली थायराइड ग्लैंड के ज्यादा हार्मोन प्रोडक्शन से नहीं आ रही, स्टोर्ड हार्मोन के रिलीज की वजह से आई है, तो उसमें हम हाइपरथायरॉयडिज्म बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि नया ग्लैंड, हमारा ग्लैंड नए हार्मोन्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा, वो तो स्टोर्ड हार्मोन से रिलीज कर दिए क्योंकि ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो थायरोटॉक्सिकोसिस होगा लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म नहीं होगा। इसी तरह अगर आपने बाहर से थायरोक्सिन की गोली जो ली है वो ज्यादा लेना शुरू कर दिया है, डॉक्टर ने एक गोली कहा था आप रोजाना 3 गोलियां खा रहे हैं, तो आपको थायरोटॉक्सिकोसिस के सिम्टम्स आने लग जाएंगे, लेकिन ग्लैंड तो कोई नहीं कुछ कर रहा, ग्लैंड तो चुप करके बैठा हुआ है, उसमें भी हम कहेंगे कि पेशेंट को थायरोटॉक्सिकोसिस होगी, लेकिन देयर इज नो हाइपरथायरॉयडिज्म। तो ये बात आपने याद रखनी है कि दोनों बिल्कुल डिफरेंट बात है। ये तब कहना है जब सिम्टम्स और साइंस आएंगे किसी भी वजह से T3 T4 के ज्यादा होने की वजह से, और ये तब कहना है जब सिर्फ थायराइड ग्लैंड T3 T4 ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, रिलीज नहीं करेगा, मतलब बकायदा प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी तो रिलीज होगी, स्टोर्ड के रिलीज होने से खाली बात नहीं बनती। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है कि भाई ये क्यों होता है कि हमारा ग्लैंड इनलार्ज हो जाए या फिर T3 T4 के सिम्टम्स आने लग जाए, टॉक्सिकोसिस क्यों होते हैं, तो उसकी हमारे पास डिफरेंट कॉजेज होती है। हमारा सबसे पहले जो कॉमन कॉज है वो ये तो डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर है, जिसको हम ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं। इसमें बेसिकली होता ही है कि मैंने आपको जो शुरू में इन्वेस्टिगेशन जो मैं आपको बताई थी, उसमें आपसे कहा था कि एक होती है थायराइड रिसेप्टर एंटीबॉडीज, ठीक है, ऑटो इम्यून ही आप समझ लें, एक तरह हमारी अपनी बॉडी ना थायराइड रिसेप्टर एंटीबॉडीज बनाने लग जाती है। वो एंटीबॉडीज क्या करती है कि वो थायराइड ग्लैंड पे जाती है और वो जाके जहां पर TSH ने लगना होता है उस जगह पर लग जाती हैं और TSH जैसा एक्शन करने लगती है, ठीक है। ये नहीं कि वो ब्लॉक करेंगे उस रिसेप्टर को, वो उस रिसेप्टर पे TSH जैसा एक्शन करेंगे। TSH का एक्शन होता है T3 T4 हार्मोन बनवाना, तो ये एंटीबॉडीज भी T3 T4 हार्मोन्स बनवाती हैं। जब हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है तो जाहिर सी बात है ये एक दो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके चुप तो नहीं हो जाती ना, हमारी बॉडी बहुत ज्यादा अमाउंट में एंटीबॉडीज बनाती है और बनाती जाती है, और वो जाके TSH रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती जा रही होती है और T3 T4 हार्मोन बनवा रही होती है। तो इस वजह से एक तरफ हमारा ग्लैंड भी इनलार्ज हो रहा होता है, क्योंकि उसे पीछे से ऐसे ही लग रहा होता है जैसे TSH ज्यादा आ रहा है, उसके लिए तो एक ही जैसी बात है ना, उसको तो चाहिए कि रिसेप्टर कोई ऑक्यूपाई करे जो कि फिक्स हो जाए अंदर, तो वो बिल्कुल समझ रहा होता है ग्लैंड की TSH ज्यादा स्टिमुलेट करे तो वो साइज में भी इनलार्ज होता जाता है, तो क्योंकि उसने जाहिर वो T3 T4 ज्यादा बनाए तो उससे ज्यादा कोलाइड और ज्यादा पैरेन्काइमा चाहिए, साइज में भी इनलार्ज हो रहा है, ठीक है, और साथ T3 T4 भी ज्यादा बना रहा है तो थायरोटॉक्सिकोसिस के सिम्टम्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ग्रेव्स डिजीज यानी कि जो हमारी एक कॉज है थायरोटॉक्सिकोसिस की, उसमें साथ साथ ही ग्लैंड का साइज भी इंक्रीज हो रहा होता है और साथ साथ ही पेशेंट को टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स भी आ रहे हैं, जिसमें खास तौर पे आई साइंस बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, जिनका भी हम जिक्र करेंगे और आपने पहले भी पढ़े हुए, ठीक है।
तो आपने याद रखना कि इस तरह की कंडीशन को जिसमें आपका थायराइड ग्लैंड इनलार्ज भी उसी वक्त हो रहा हो और टॉक्सिकोसिस के सिम्टम्स भी उसी वक्त आ रही हो, यानी साथ साथ दोनों चीजें चल रही हो, उसको हम कहते हैं प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस। अच्छा, आपके पास ना ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सर पूछते हैं और बहुत गलत जवाब इसका मिलता है, तो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है लेकिन ऐसे बाकायदा अलग से हेडिंग में नहीं लिखा हुआ, तो आपने इसको या तो हाईलाइट कर लेना या फिर याद रखना है कि लिख लें अपने पास कि प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस वो कंडीशन है जिसमें ग्लैंड की इनलार्जमेंट, थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट इज एकम्पनीड बाय या फिर एट द सेम टाइम एसोसिएटेड विद थायरोटॉक्सिक सिम्टम्स ऑफ द T3T4 हॉर्मोन्स। ठीक है, तो उसको प्राइमरी, ये बात नहीं होगी कि आपका ग्लैंड जो है वो मेरा 10 साल पहले बड़ा हो गया था और अब टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स भी आने लगे और अभी भी ग्लैंड बड़ा हो रहा है, उसको नहीं कहना प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस। वो 10 साल पहले बड़ा होना शुरू हुआ था तब कोई टॉक्सिसिटी नहीं थी, जब आपका ग्लैंड बड़ा होना शुरू हुआ पहली दफा उसी वक्त टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स आएंगे, तो प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस एंड ग्रेव्स डिजीज इज द एग्जांपल। ठीक है, फिर हमारे पास होता है टॉक्सिक मल्टीनोड्युलर गोइटर। टॉक्सिक मल्टीनोड्युलर गोइटर जो है ना, वो आपका सिंपल मल्टीनोड्युलर गोइटर के ऊपर इसका सुपर इम्पोजिशन होती है। मतलब मैंने आपको जो भी सिंपल गोइटर पढ़ाया उसमें मैंने आपको पूरी पैथोफिजियोलॉजी बताई है कि किस तरह से आपका मल्टीपल नोड्यूल्स बन जाते हैं, उसमें बार बार TSH आता है, बार बार TCT4 बनते हैं, फिर रिग्रेस, फिर बनते हैं, फिर रिग्रेस, तो साइज को इंक्रीज डिक्रीज हो गया, आखिरकार मल्टीपल नोड्यूल्स बन जाते हैं, मल्टीपल नोड्युलर गोइटर बन जाते हैं। वो मल्टीनोड्युलर गोइटर जो है ना, वो पहले सिंपल होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैंने आपसे कहा, जो 20 साल 30 साल इवन 40 साल से भी ज्यादा लोगों का गोइटर होता है और वो मल्टीनोड्युलर भी होता है लेकिन वो बिल्कुल एसिम्टोमेटिक होता है, उनको कोई सिम्टम नहीं दे रहा होता क्योंकि वो ग्रो भी उसने आगे की तरफ किया होता है, रेट्रोस्टर्नली ग्रो नहीं किया होता कि उनको डिस्फेजिया डिस नहीं आए और वो कोई हॉर्मोन्स नहीं बना रहा होता, तो वो हॉर्मोन नहीं बनाएगा तो सिम्टम्स नहीं आएंगे, कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती। लेकिन अचानक से सपोज के 30 साल गुजर गए थे उसके साथ, लेकिन अब अचानक से उसके अंदर से एकदम चेंज आई और वो हॉर्मोन की प्रोडक्शन TCT4 की ज्यादा करने लग गए, जब वो हॉर्मोन ज्यादा बनाने लग जाएगा तो टॉक्सिसिटी आ जाएगी। तो इस तरह की कंडीशन जिसमें ग्लैंड इनलार्ज बहुत अरसा पहले हो जाए और टॉक्सिसिटी बाद में डेवलप हो, उसको कहते हैं सेकेंडरी थायरोटॉक्सिकोसिस। एंड सिंपल मल्टीनोड्युलर गोइटर के ऊपर टॉक्सिक मल्टीनोड्युलर गोइटर का हो जाना इज एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी थायरोटॉक्सिकोसिस, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, ऐसा क्या होता है उसके अंदर कि वो टॉक्सिक हो जाता है, ये इतना वेल डिफाइंड बात नहीं है लेकिन वो हो जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो तीसरी कंडीशन है वो है जी आपका टॉक्सिक एडिनोमा। इसमें क्या होता है आपके पास, ये ज्यादा यंग पेशेंट्स में, और इसमें क्या होता है कि आपका अचानक से ना एक नोड्यूल छोटा सा बन जाएगा थायराइड ग्लैंड के अंदर जो कि हाइपर फंक्शनिंग होगा और आपका जरूरत से ज्यादा बनाने लग जाएगा TCT4। देखा ये गया कि इस एडिनोमा की कॉज ये होती है कि आपके पास जो रिसेप्टर है ना TSH का, वो खुद ब खुद स्टिमुलेट होता रहता है, ना कोई TSH आके उस पर लग रहा होता है ना कोई एंटीबॉडी आके लग रही होती है, मतलब कोई चीज बाहर से आके ट्रिगर नहीं उसे करती, लेकिन एक जीन में ऐसी म्यूटेशन हो जाती है कि जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ये रिसेप्टर खुद ब खुद एक्टिव हो जाता है और इसे लगता है कि मतलब जिस तरह एक चीज आके जैसे TSH आके उस पर लगे और वो एक्टिव होते हैं ना, उस तरह वो बगैर TSH के एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होकर वो TCT4 बनाने लग जाते हैं और पूरा ग्लैंड भी इसमें इन्वॉल्व होता है, एक नोड्यूल होता है जिसको हम एडिनोमा कहते हैं। ठीक है, तो वो आपके पास होता है जिसको हम कहते हैं कि टॉक्सिक एडिनोमा हो गया पेशेंट को। ठीक है, और इस तरह के गोइटर को कि आपका एक ऑटोनोमस सिंगल नोड्यूल जो है वो एक्सेसिव हॉर्मोन्स बनाने लग जाए और बाकी सारा टिश्यू नॉर्मल हो, उसको हम कहते हैं टर्शरी थायरोटॉक्सिकोसिस। अब आपने तीनों चीजें लिखनी है और याद रखनी है, मैंने बता दी अपने पास, ये लाजमी, दिस इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, आपके पास जो कॉजेस थे उन्हीं में तीनों चीजें एड्रेस हो गई है, हमारे पास ये तीन कॉजेज होते हैं और इनको टाइप्स भी कहते हैं हम। अच्छा, फिर हमारे पास अगली बात आती है, ये तो हमने कॉमन कॉजेज की है ना थायरोटॉक्सिकोसिस, कुछ रेयर कॉजेज भी होती है जिसमें आपकी जैसे लिखी हुई है थायरोटॉक्सिकोसिस फैक्टिशिया, वो होता है कि आपने बाहर से थायरोक्सिन अगर ज्यादा खाना शुरू कर दिया उसकी वजह से जो थायरोटॉक्सिकोसिस होती है उसको फैक्टिशिया कहते हैं। फिर आपके पास होता है कि अगर पेशेंट ने आयोडीन बहुत ज्यादा लेना शुरू कर दिया तो आयोडीन थायराइड ग्लैंड ज्यादा बनाने लग जाते हैं, उसकी वजह से TCT4, तो भी आपका थायरोटॉक्सिकोसिस हो जाता है, उसको आप कहते हैं जॉर्ड बेस्ड डाउ थायरोटॉक्सिकोसिस। ठीक है, तो पहला फैक्टिशिया था, दूसरा जॉर्ड बेस्ड डाउ था। फिर आपका होता है एक्यूट थायरोडाइटिस, जो मैं आपको बता चुकी हूं कि थायरोडाइटिस में पहले फिर होना बेसिकली ग्लैंड ने हाइपो फंक्शनिंग में जाना होता है, लेकिन स्टोर्ड जब चीजों को रिलीज करेगा तो थायरोटॉक्सिकोसिस के सिम्टम्स आएंगे, तो वो भी आपका एक टाइप होती है। उसके बाद कार्सिनोमा हो सकता है, वो भी आपका थायरोटॉक्सिकोसिस कर सकते हैं। और नियोनेटल थायरोटॉक्सिकोसिस होता है जिसमें जो बच्चा जिसकी माँ को थायराइड हार्मोन की था थायरोटॉक्सिकोसिस था और उसने दवाइयां नहीं ली हुई थी, तो बच्चे को भी हो जाता है। तो ये रेयर टाइप्स हैं। आपके पास क्वेश्चन आता है बाकायदा कि गिव द टाइप्स ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस, तो आपने देनी होती है ये वाली, ये कॉमन टाइप्स ये हैं और रेयर अगली पांच हैं। रेयर वालों की डिस्क्रिप्शन कोई भी नहीं पूछता, MCQ में चलो आ सकती है लेकिन कोई बहुत ही कम आती है, लेकिन आपको नाम जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, जॉर्ड बेस्ड वगैरह वगैरह वो जरूरी है। अब हमारे पास आते थे क्लिनिकल फीचर्स, दीज आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्लिनिकली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पास थायराइड ग्लैंड ना हमेशा आपके शॉर्ट केस में आता है, थायराइड ग्लैंड, हर्निया, लंग, ये बहुत जरूरी है।
और आपने इनको करना होता है, ठीक है। तो सिम्टम्स जो पेशेंट के होंगे ना, आपको पता होंगे, तो आप भी उससे सवाल पूछ सकेंगे ना कि पेशेंट को पैल्पिटेशंस, दिल की धड़कन महसूस होती है, उससे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, उसका स्वेटिंग होगी, हाथ को आप लगाएंगे तो हाथ गीले होंगे, वो कहेगा भूख ठीक लगती है लेकिन मुझे फिर भी वजन गिर रहा है, मेरा वेट लॉस है, और शायद उसे कहेगी भूख भी ज्यादा लगती है, फिर भी मैं इतना खाता हूँ फिर भी मुझे वजन गिर रहा है, डायरिया, इंसोम्निया, सब कुछ वो चीजें जो कि आपकी बॉडी में एक हाइपर रिएक्टिव माहौल पैदा कर रही है, ठीक है। डायरिया हो रहा है आपको, आपको नींद नहीं आ रही, आपको चिड़चिड़े हो रहे हैं, आपको फाइन ट्रेमर्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें पेशेंट की होती है, ठीक है। अब आपके जो ये तो हो गए पेशेंट के सिम्टम्स थे, अब साइंस में आपको मिलेगा, जहर टैकीकार्डिया तो साइन होता है आपका, आप चेक कर ले, पल्स रेट ज्यादा होगा, उसका हाथ गीला होगा क्योंकि उसे पसीना ज्यादा आता है, उसके बाद आपको कुछ और साइंस मिलेंगे जिनको मैं जिक्र करती हूँ। सबसे पहले उसमें से आ जाते हैं हम आई साइंस पे। आई साइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली आपकी जो प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस होती है उसमें आई साइंस बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, और आपने हर थायराइड के पेशेंट में ये कराने होते हैं। लिड रिट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आपकी जो अपर आईलिड है वो पीछे हो गई है थोड़ी सी, क्यों हो गई है, आपका जो मसल है लेवेटर पैल्पेब्रे सुपीरियोरिस और मुलर मसल, वो दोनों मिलकर आपकी अपर आईलिड को एलिवेट करते हैं, ठीक है। अब जब वो मसल्स का एक्शन भी इंक्रीज हो जाता है, इनहेंस हो जाता है, ये ऐसे करके आईलिड है आपकी नॉर्मल, ठीक है, यू इतना सा नजर आ रहा होता है ना आपका प्यूपिल, आपकी नॉर्मल आईलिड ने आपके प्यूपिल को इतना सा कवर किया, प्यूपिल कह रही हूँ आपके कॉर्निया को इतना सा कवर किया हुआ होता है कि आपका पूरा गोला नजर नहीं आ रहा होता। जब आईलिड रिट्रैक्टेड होगी ना ऊपर वाली, तो आपको अपनी आंख का पूरा गोला ऐसे करके नजर आएगा, ठीक है। इसको कहते हैं लिड रिट्रैक्शन, कि ऊपर वाली आईलिड पीछे हो गई, क्यों, क्योंकि जो पीछे के मसल्स थे वो T3T4 हॉर्मोन्स की एक्सेस की वजह से ओवर एक्टिव हो गए और वो ज्यादा खींच रहे हैं अब आईलिड को, तो वो पीछे हो गई लिड रिट्रैक्शन, ठीक है। आपको आई का जो कॉर्निया है वो पूरा नजर आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था। अब आगे हमारे पास लिड लैग, लिड लैग का मतलब ये है क्योंकि ये ओवर एक्टिव है, पीछे से मसल्स ने इसको ज्यादा खींचा हुआ है, तो जब हम नीचे पूरी आईलिड कराने की कोशिश करते हैं ना, तो पेशेंट की आईलिड पूरी की पूरी नीचे नहीं आती बल्कि लैग कर रही होती है, क्योंकि जाहिर पीछे से वो ओवर एक्शन में है, ज्यादा खींच रही है, तो उसको लिड लैग कहते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट के सामने ऐसे उंगली रखते हैं, उसके सर को स्टेबिलाईज करते हैं, सर स्टेबिलाईज करना जरूरी है, ऐसे एक हाथ उसके सर पे रखते हैं, उसके सामने उंगली रखते हैं, उसे कहते हैं आपने मेरी उंगली को देखना है और सर नहीं हिलाना, ऊपर से नीचे ऐसे 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 आप पेशेंट की उंगली करते हैं, और जब वो नीचे ला रहा होता है तो आप उसकी आईलिड को देखते हैं, आपको नजर आएगा कि उसकी आईबॉल पूरी नीचे चली जाती है लेकिन लिड ऊपर ही थोड़ी थोड़ी रहती है, उसको लिड लैग कहते हैं, ठीक है। फिर एग्जॉस्थेलमॉस, एग्जॉस्थेलमॉस का मतलब है कि आपकी आंखों के जो डेले हैं वो बाहर निकल आए हैं, वो क्यों होता है कि आपके पास ये जो थायराइड ग्लैंड का एक्सेस है ना, ये एक पूरा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन इसने हर जगह पर हमारी शुरू किया होता है, जब आपके प्री ऑरिकुलर एरिया, प्री ऑक्युलर एरिया में आई के पीछे, ये आई बॉल के पीछे जब वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो रहा होता है, उसकी वजह से पीछे इतना ज्यादा इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट इकट्ठा हो जाता है आई के पीछे, आई के पीछे जगह कितनी है, यहाँ पर जगह है, यहाँ पर सब इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट इकट्ठा हो जाएगा, तो इधर धक्का मिलेगा, इसको धक्का होगा तो आपकी ये जो आई बॉल है ये आगे यू प्रोट्यूड होकर नजर आ जाएगी, ठीक है। तो पेशेंट्स की आई बॉल प्रोट्यूडिंग होती है, उसको कहते हैं एग्जॉस्थेलमॉस। तो एग्जॉस्थेलमॉस को भी इलिसिट करने के डिफरेंट साइंस होते हैं, हम सिंपली प्रोक्टोसिस चेक कर सकते हैं पेशेंट के पीछे सर के खड़े होकर, हम उससे कहेंगे कि वो आसमान ऊपर छत की तरफ देखे बगैर सर ऊपर किए आंखों से हाली, तो उसका फोरहेड रिंकल नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि उसकी आंखों के डेले इतने बाहर होंगे कि उसे फोरहेड की रिंकलिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसे छत ऐसे ही नजर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ऐसे लोग जो होते हैं उनका कन्वर्जेंस का मसला भी होता है कि उनको कन्वर्ज नहीं वो सही से कर पा रहे होते हैं, उसकी वजह ये होती है कि आपके पास कन्वर्जेंस के लिए ना, मतलब आप यहां से यहां पर ला रहे हैं, आपके मसल्स को बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है, मसल्स को वर्क करने के लिए उन्हें शॉर्टन होना पड़ता है, थिकन होना पड़ता है, और थिकन होने के लिए उन्हें जगह चाहिए, आई बॉल में सारा इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट पड़ा हुआ है, तो मसल्स कहां से थिक होंगे, मसल्स को कौन सी जगह मिलेगी, तो वो थिक ही नहीं हो पाते, तो पेशेंट कन्वर्ज नहीं कर पाता। उसके लिए आप उसके सामने उंगली ऐसे रखते हैं और उसके करीब लाते हैं और सर को स्टेबिलाईज रखते हैं, तो कन्वर्जेंस उसकी खराब होती है, ठीक है, ये सारे साइंस होते हैं। उसके अलावा आई ऐसे पेशेंट्स को ऑफ्थाल्मोप्लीजिया होता है, जिस तरह आपने आई में बाकायदा पेशेंट के सामने एच बनवा के चेक किया था ना, यहाँ भी आप पूरा एच बनवा के चेक करते हैं, और इनकी कहीं ना कहीं पर मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है क्योंकि वो वाला मसल स्पैज्म में होता है ज्यादातर, ठीक है। ये होते हैं ये आई साइंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लिनिकली। उसके बाद आपने पेशेंट का चेक करना था प्रीटिबियल मिक्सिडीमा, क्योंकि ये कंडीशन है, मैंने पता है आपको इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट बन रहा है, तो वो इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट ज्यादातर आपका लोअर लिम्स में आपको बड़े आराम से मिल जाता है, तो आप लोअर लिम्स में जो टिबिया वाली जगह उसको ऐसे प्रेस करके टांग को देखते हैं, आपको पिटिंग एडिमा मिलता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज सिंपली ऑफ T3T4 की एक्सेस है जो कि इन्फ्लेमेशन कर रही है, ठीक है। तो प्रीटिबियल मिक्सिडीमा चेक करना होता है। फिर आपने थायराइड ब्रूई चेक करी, थायराइड ग्लैंड इनलार्ज है, उसके अंदर नई वेसल्स बन रही होंगी, वो जो नई वेसल्स है उनकी आवाज आपको ब्रूई के तौर पर आएगी, तो आपने सुनना होता है, वैसे सुनाई मैं पर्सनली बताऊं तो बहुत मुश्किल देती है, बहुत एक्सपीरियंस के बाद आपको शायद कभी सुनाई दे, लेकिन आपने जरूर सुननी जरूर होती है, एक्टिंग जरूर करनी है।
फिर आपके कार्डिक साइंस है। कार्डिक साइंस में सिंपली अगर कोई चीज मैं कह रही हूँ हर तरफ आपकी हाइपर 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 हो रहा है तो हार्ट भी बेचारा हाइपर हो जाएगा, या तो सिंपली आपका हार्ट रेट तेज होगा यानी सिंपल टैकीकार्डिया हो जाएगा पेशेंट को, और ज्यादा होगा तो आपकी एक्स्ट्रा बीट्स भी आने लग जाएंगी यानी नॉर्मल बीट्स के बीच में एक्स्ट्रा सिस्टलीज होंगी, और ज्यादा मजीद बिगड़ेगा तो आपकी एट्रियल टैकीकार्डिया पैरोक्सिस्मल हो जाएगा और मजीद होगा तो एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाएगी। मतलब वही जो हमने पहले हार्ट में पढ़ी है सीवीएस में, मैं आपको बताऊंगी कि क्या चीजें होती है डिटेल में। फिब्रिलेशन का मतलब होता है कि हार्ट इतना तेज 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 फड़क रहे कि फड़क रहे जिस तरह यूं यूं हो रहा है, इतना उसे टाइम ही नहीं मिल रहा कि वो रिलैक्स करे। नॉर्मली क्या है सिस्टली डायस्टली, फिब्रिलेशन में क्या होता है सिस्टली 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 एंड नो डायस्टली, सो नो वर्क ऑफ हार्ट, ठीक है, बड़ा ये ग्रेव कंडीशन होती है। उसके बाद हमारे पास आगे कार्डिक साइंस के बाद मायोपैथी। मायोपैथी है वीकनेस ऑफ मसल्स, वही एडिमा की वजह से। हम डायग्नोस कर लेते हैं इसको, किस तरह कराएंगे, सीरम टीसी टी4 टीएसएस कराएंगे, तो जाहिर है आपकी टीसी टी4 बहुत ज्यादा होंगे, टीएसएस आपका बहुत कम होगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि दिस इज ये है। और उसके साथ हमने क्या करानी है एंटीबॉडीज, ताकि हमें पता चल जाए कि ग्रेव्स डिजीज है या नहीं है। पेशेंट की हिस्ट्री हमें बहुत गाइड कर देती है कि क्या उसका पहले से सिंपल गोइटर था या नहीं था, अचानक से बढ़ना शुरू हुआ, ऐसी बातें आपको सारी पूछनी है। और अगर उसके पेशेंट सिंपल गोइटर के साथ है तो फिर तो आपको एफएनएसी नहीं करानी, तो सॉरी रेडियो आयोडीन स्कैन नहीं कराना। अगर वो आपका मल्टीनोडुलर गोइटर है और उसके साथ ज़ाहिर टॉक्सिसिटी तो है ही है, तो फिर आपने उसके रेडियो आयोडीन स्कैन करा लेना, ताकि आपको पता चले कि वार्म नोड्यूल है कोल्ड है या फिर आपके इनएक्टिव है, क्या हिसाब है, ठीक है, तो रेडियो आयोडीन स्कैन करा लेना। अगर उसको रेट्रोस्टेंडल एक्सटेंड के सिम्टम्स है, डिस्फेजिया डिस्ने, तो आपने लाजमी चेस्ट एक्सरे कराने। आजकल चेस्ट एक्सरे से ज्यादा सीटी स्कैन को अच्छा समझा जाता है, तो आप सीटी स्कैन करा लेंगे, ठीक हो गया जी। और एंटीबॉडीज तो आपने करानी करानी है देखने के लिए। तो ये हो गया आपका डायग्नोसिस ट्रीटमेंट। अगले पार्ट में कहते हैं किसी कोई मस्ता हुई के नाश में। थैंक यू।